चुनावी दौरे पर गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में विजय के संकल्प के साथ शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में एक घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने पके हुए आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगाजल और गन्ने के रस से महादेव भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्हें बेलपत्र, सफेद कमल, लाल कमल, कनेर, शमी पत्र, दूब, कुशा, राय, गुड़हल, धतूरा, भांग और श्रीफल भी चढ़ाया। रुद्र अभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान शंकर के पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान शिव और द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूरे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन किया। इसी क्रम में अंत में रुद्र अभिषेक की अनुष्ठानिक प्रक्रिया वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न की गई। रुद्र अभिषेक को मंदिर के प्रधान पुरोहित रामानुज त्रिपाठी वैदिक के नेतृत्व में संपन्न कराया गया। उनके साथ वैदिक मंत्रोच्चार करने वालों में डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पंडित पुरुषोत्तम चौबे, नित्यानंद तिवारी, शुभम मिश्र, शशांक शास्त्री शामिल रहे। इस दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ, द्वारिका तिवारी, वीरेंद्र सिंह, विनय कुमार गौतम, दुर्गेश बजाज आदि भी मौजूद रहे। रुद्र अभिषेक से पहले गोरखनाथ मंदिर में शुक्रवार की सुबह की मुख्यमंत्री की दिनचर्या परंपरागत रही। तड़के आवास से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में शीश नवाया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा अर्चना की।